उत्तराखंड में उपचुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट चुकी है। वहीं बीजेपी सरकार पर विपक्ष के नेता कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस में भी अंतर्कलह का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम से हमारे संवाददाता भावना अरोड़ा ने खास बातचीत की है, आप सुनिए। उत्तराखंड में आया राम गया राम की राजनीति बड़ी गर्माती है। ऐसे में अब बड़ी खबरें उड़ने लगी है जिसमें प्रीतम सिंह का नाम का जिक्र होता है। साथ में बैठे उत्तराखंड प्रभारी हैं दुष्यंत कुमार गौतम, उनसे बात कर लेते हैं। प्रीतम सिंह जी को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्योंकि लगातार अटकलें चल रही है कि कोई भाजपा से कांग्रेस में चले जाता है, कोई कांग्रेस से भाजपा में आ जाता है, और ऐसी खबरें प्रीतम सिंह को लेकर भी चल रही है। नहीं, हमें सोचने का काम ही नहीं, हम क्यों सोचेंगे, प्रीतम सिंह सोचेगा उसने कहाँ प्यार कर रहा है। ये अगर वो हमारे यहाँ आना है तो राष्ट्रवाद की भावना के लेकर कभी भी आ सकते हैं, स्वागत है उनको। और आज लगता है कि वहीं प्रीतम सिंह ही नहीं है, पूरी कांग्रेस में भड़दड़ मच रही है, नेतृत्व तो नहीं है उनके पास में। आज कांग्रेस की वो स्थिति हो गई है, कल का एक आसाम का नगर निगम का चुनाव आया है, यहाँ जीरो मिला है उनको नगर निगम चुनाव में, 60 में से मतलब आम पार्टी को एक मिल गया लेकिन उसको जीरो ही मिला है, और इस पर वो खुश होते हैं। तो आत्म मंथन की अवस्था, और जो लोग ने जिस प्रकार से कांग्रेस जब बनी थी वो कांग्रेस इनकी कांग्रेस नहीं थी, सभी दलों सभी समाज के लोगों ने देश को आज़ाद दिलाने का काम किया है। लेकिन दुष्यंत जी ये भी तो मानना पड़ेगा ना, भाजपा बहती गंगा हो गई है, जो जिसका मन करता है हाथ धो के चले जाता है, चाहे हरक सिंह रावत की हम बात करें, यशपाल आर्या का मैं जिक्र कर लो, क्योंकि यशपाल आर्या का जिक्र आया तो एक तंज आपके ऊपर भी कसा गया है, और सवाल आप पर ये उठाया गया कि आखिर मंत्रिपरिषद की मीटिंग में पदाधिकारी क्या कर रहे थे। जब वो मंत्री थे वो हमारे साथ में क्या करते थे, जब वो मंत्री थे तो वो भी बैठक में बैठा करते थे। मंत्री से पहले संगठन का व्यक्ति होता है और संगठन में बैठ के चर्चाएं होती हैं, और यही हमने मंत्रियों को कहा है कि जो हम संकल्प पत्र बनाया है वो हमारे गीता के समान है, उस पर काम करना चाहिए, और पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते और पार्टी के वो भी कार्यकर्ता ही दायित्व होता है। ये तो खीज है उनकी कि वो भी अगर हमारे पास होते तो वो भी ऐसे ही बैठते, तो ये मुझे लगता है उनको परेशानी है, तकलीफ। यहाँ पे ये डायलॉग कहना ठीक रहेगा, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोच। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ये खीज है उनकी कि वो मेरे साथ बैठे हैं, कई बार बैठे हैं, और मंत्रिमंडल जो बैठा है उनके साथ में भी हम बैठे हैं, अगर फोटो निकालेंगे तो उनको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन दुख हो रहा है कि सरकार में मंत्री की मलाई खाने वाला व्यक्ति आज बाहर बैठा हुआ है और बेटे को हरा के बैठा हुआ है, और बेटा उन्नत करे तो आदमी सुखी होता है, उसका बेटा हार गया तो दुख तो है उसको। चलिए, ये उन दिनों की बात है, आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है, क्योंकि बीएल संतोष साहब भी उस मीटिंग में मौजूद थे, पुष्कर सिंह धामी भी थे, पूरी कैबिनेट में थी, उन्होंने एक लाइन और कही कि इसे कहते हैं संविधान की धज्जियाँ उड़ाना और 163 और 164 आर्टिकल की धज्जियाँ उड़ाना। जिस पार्टी में है उससे ज़्यादा संविधान की धज्जियाँ कोई नहीं उड़ाता है, जिसने इमरजेंसी लगाई, आपातकाल लगाया, और वर्तमान में हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिकों को बदले जो एक ही पार्टी के एक ही अध्यक्ष बनाए चल रहे हैं, और वो पार्टी की बैठक थी, मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रालयों में होती है, वहाँ पर कोई जाए तब तो वो कह सकते हैं, लेकिन वो पार्टी के कार्यालय में बैठक थी और पार्टी के कार्यकर्ता के तहत वो बैठक थी, वो फिर वही बात है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, वो ही उनकी परेशानी है और कुछ। चलिए, मुस्कुरा रहे हैं, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। चंपावत में इलेक्शन की तैयारी पूरी तरीके से जो है शुरू हो गई है, कैलाश गहतोड़े ने भी इस्तीफा दे दिया है, क्या लगता है कि एक मजबूत विकल्प कांग्रेस के पास आपको कोई नज़र आता है, क्योंकि भाजपा से तो धामी जी उतर ही रहे चुनावी मैदान में। मुझे जो लगता है वहाँ की जनता ने मन बनाया है, हमने भी सर्वे सब कुछ कराया है, वहाँ की जनता एक तरफा धामी जी को जिताने वाली है, और चुनाव की हमने पूरी तैयारी कर ली है, हमारी सहप्रभारी रेखा वर्मा जी और पांच। लेकिन इसी तरीके का डायलॉग, फिल्मी डायलॉग जो है, कहीं ना कहीं खटीमा के लिए भी आपने कहा था कि जीत पक्की, जीत तो मिली लेकिन खटीमा से जीतते जीतते रह गए। नहीं, कुछ कारण रहते हैं, हार का एक ही कारण नहीं रहता, व्यक्ति ही कारण नहीं रहता, हारने के कई कारण रहते हैं, जीतने के भी कई कारण रहते हैं, उस कारणों पर भी मंथन किया जा रहा है, कहाँ कमी रही है उस कमी को भी दूर किया जाएगा, और जनता को एक अच्छा मुख्यमंत्री देने का हमने जो काम किया है वो करा है। हरीश रावत अगर लड़ते हैं चुनाव, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो ठीक ठाक लग रहा है कि मजबूत नेता है और लड़ने लायक नेता होगे? जब वो सरकार बनाने की पोजीशन में लग रहे थे जब नहीं जीत पाए हैं, पिछली बार दो दो जगह से हारे थे, मुझे लगता है उनका बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानजनक तरीके से उनको रखना चाहिए, अब ऐसा रण के मैदान में नहीं उतारना चाहिए उनको। चलिए, मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं हरीश रावत को लेकर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता भी है, कद्दावर नेता भी है, और साफ तौर पर टिप्पणी कर रहे हैं कि चंपावत में जीत तो एक तरफा होगी, लेकिन ये भी सच्चाई जान लीजिए कि यही दावे इन्होंने इलेक्शन के टाइम भी किए थे, लेकिन खटीमा से जीतते जीतते रह गए। खैर, अब चंपावत का जो है चुनाव देखते हैं और फिर उसका परिणाम भी। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना, R9 न्यूज़ दिल्ली।